चोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है आधा किलो मुरमुरे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुरमुरे को मैंने अच्छे से साफ करके ले लिया है और बहुत क्रिस्पी भी है हमारे मुरमुरे पहले से ही। तो चलिए अब देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या साहित्य चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले रखा है लहसुन। लहसुन को मैंने अच्छे से कूट के ले लिया है। फिर मैंने ले रखा है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और सूखा नारियल, इसको मैंने अच्छे से काट के ले लिया है पीसेस में। साइड में मैंने यहाँ पे भुना हुआ चना की दाल ले रखा है। अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी मूंगफली ले रखा है, इनको भी मैंने अच्छे से साफ करके ले लिया है। साइड में मैंने यहाँ पे एक कटोरी मैंने यहाँ पे करी लीव्स ले रखे हैं, कड़ी पत्ता ले रखा है। फिर साइड में मैंने यहाँ पे चूड़ा मसाला ले रखा है, आप चाहे तो कोई सा भी ले सकते हैं। फिर साइड में मैंने इसके अंदर नमकीन ले रखा है डालने के लिए इसमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कढ़ाई में डाल देंगे तेल। यह तेल करीब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब ले लिया है। तेल को अच्छे से पहले गर्म होने रख देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 1 कटोरी मूंगफली, इनको अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। तो मूंगफली हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर नारियल को भी फ्राई करके ले लेंगे। तो हमारे नारियल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर भुना हुआ चना को भी रोस्ट करके ले लेती हूँ। तो हम इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, अगर इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये कड़क हो जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा ही फ्राई करके मैंने ले लिया है। अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ता को फ्राई करके ले लेंगे। कड़ी पत्ता भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। हल्के से हमारे ये क्रिस्पी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन। अब हम डाल देंगे इसके अंदर जीरा, राई डाल देंगे 1 चम्मच, अब मैं मुरमुरे के अंदर चीनी का पाउडर डाल दूंगी, चीनी को मैंने अच्छे से पीस के ले लिया था। अब हम डाल देंगे इसके अंदर नमकीन। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे इसके अंदर 1 कटोरी लाल मिर्च। अब हम डाल देंगे इसके अंदर चूड़ा मसाला, इसको भी अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब हम डाल देंगे इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक। अब जितना भी चीज़ हमने फ्राई करके ले ली थी, अब हम डाल देंगे इसको मसाले के अंदर। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। हम इसे सिर्फ मिक्स करेंगे, इसको हमें फ्राई नहीं करना है, ऑलरेडी हमने इसको फ्राई करके ले लिया था। अच्छे से मिक्स हो चुका है, गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब हमने जो मसाला बनाया था वो डाल देंगे हम। तो मसाला मैंने डाल दिया है, चलिए इसे मिक्स करके ले लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चोड़ा बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये। ये देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी बने हैं हमारे चोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज दिवाली है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए खाते रहें, मस्त रहें। बाय बाय फ्रेंड्स।